गुड आफ्टरनून। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूनिट ने आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग दिया हुआ है, हाउ टू राइट रिपोर्ट दिया हुआ है, पेपर डेवलपिंग ए रिसर्च प्रपोजल दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल दिया हुआ है, ए प्रेजेंटेशन असेसमेंट बाय द रिव्यू कमिटी दिया हुआ है। तो यूनिट थ्री में आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग दिया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग इज देयर? दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गुड राइटिंग। इट इज प्राइमरी टारगेटेड एट स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स राइटिंग टेक्निकल एंड बिजनेस रिपोर्ट, बट द प्रिंसिपल आर रिलेवेंट टू एनी फॉर्म ऑफ द राइटिंग इंक्लूडिंग लेटर्स एंड मेमो। देयरफॉर द डॉक्यूमेंट कंटेंस वैल्यूएबल लेसंस फॉर द एनीबॉडी विशिंग टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। ये राइटिंग स्किल्स के बारे में, इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। द आइडिया डिस्क्राइब्ड हियर आर अपार्ट फ्रॉम द फैमिली माइनर एक्सेप्शन नॉट ओरिजिनल, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द रेंज ऑफ द एक्सेलेंट बुक्स, हैव ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस आउटस्टैंडिंग ऑथर्स आई हैव वर्क विद। दस द अप्रोच रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ द मॉडर्न कंसेंसस। दिस अप्रोच इज वेरी डिफरेंट टू द स्टाइल दैट वॉज प्रमोटेड टू द ट्रेडिशनल इंग्लिश स्कूल सिस्टम विच इनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट इन ए अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मल वे। द अप्रोच डिस्क्राइब्ड हियर सिंप्लिसिटी प्लान इंग्लिश एंड इनफॉर्मेलिटी। फॉर एग्जाम्पल इट इनकरेजेज शॉर्टर सेंटेंसेस, यूज ऑफ द सिंपलिस्ट वर्ड एंड द फ्रेज इज पॉसिबल। इट एक्सप्लेन्स हाउ कैन यू कैन अचीव सिंप्लिसिटी बाय यूजिंग द एक्टिव रेदर देन पैसिव स्टाइल, पर्सनल रेदर देन द इम्पर्सनल स्टाइल, एंड बाय अवॉइडिंग नाउन कंस्ट्रक्ट इन फेवर ऑफ द वर्ब्स। है ना? तो इसमें आपको बिफोर यू स्टार्ट फॉर द राइटिंग यूजिंग फॉर द प्लेन इंग्लिश स्टाइल, सेंटेंस, पैराग्राफ लेंथ, बुलेट पॉइंट्स, ये इसके बारे में डिफाइंड किया गया है। सिंपलेस्ट वर्क एक्सप्रेशन पॉसिबल, रिप्लेस द डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रेजेज विद द सिंपल अल्टरनेटिव, अवॉइड द स्टॉक फ्रेजेज, अवॉइड द लीगल वर्ड्स, अवॉइडिंग द अननेसेसरी वर्ड्स एंड द रिपीटिशन, यूजिंग द वर्ब इंस्टेड ऑफ द नाउंस, यूजिंग द एक्टिव रेदर देन पैसिव स्टाइल, यूजिंग द पर्सनल rather than the impersonal style, explain new ideas clearly, use the consistent naming of the same thing, painless political correctness, use the plain English, the mechanics, avoiding of the common vocabulary and the spelling errors, abbreviations, punctuation, capital letters, iske bare mein technical writing ke bare mein aapko bataya gaya hai. Structure of the report, kis tarah se jo hai report ka structure hoga, what every report should contain, general layout, sections and the section numbering, the crucial role of the introduction and the summary, figures and the tables, a structure of the student project report, summary and checklist for when you finishing the writing, iske bare mein structure of the report ke bare mein, iske bare mein isme bataya gaya hai, hai na? To ye aapko kya effective technical writing kaise kiya jaye uske bare mein ये आर्टिकल आपको डिटेल करता है। कंपेयर विद द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ए सेट ऑफ द एम्प्लॉय, ये दोनों को कंपेयर कीजिए। इट इज कंसिडरेबल ऑफ द इंपोर्टेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस है और दूसरा है शॉर्ट सेंटेंस है। द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंस इज इक्विवेलेंट, दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, दोनों का मीनिंग जो है आपको इक्विवेलेंट है। It is of considerable importance to ensure that under no circumstances should anyone fail to deactivate the overhead luminescent function at its local activation point on their departure to their place of the residence, most notably immediately preceding the 2-day period at termination of the standard working week. Always turn the lights out when you go home, especially on a Friday. Dono ka meaning same hai. Which one was easier to read and understand? The objective of the document to show the people how to write as in the second sentence rather than the first sentence, है ना? तो कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर जो प्लेन इंग्लिश यूज करना है उसके बारे में बताया गया। पहले आपको हम ब्रीफ समरी आपको बता देते हैं। द डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट्स द फॉलोइंग मेन सेक्शन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, सिंपल चेकलिस्ट है, यूजिंग द प्लेन इंग्लिश है, स्टाइल है, यूजिंग द प्लेन इंग्लिश मैकेनिक्स है,
दिस कवर्स द वोकैबुलरी स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट है एक्सप्लेन हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रिपोर्ट इन टू सेक्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी बिफोर यू स्टार्ट फॉर द राइटिंग इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है राइटिंग के पहले वर्ड प्रोसेस रिपोर्ट के बारे में उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं दूसरा है यूजिंग द प्लेन इंग्लिश स्टाइल प्लेन इंग्लिश को यूज करना है ये इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से आपको बताया गया है स्ट्रक्चर टेक्निक फॉर मेकिंग योर राइटिंग इजियर टू अंडरस्टैंड उसके बारे में आपको प्लेन इंग्लिश के बारे में स्टाइल के बारे में बताया गया सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ लेंथ सेंटेंस कितना लंबा होना चाहिए पैराग्राफ लेंथ कितना लंबा होना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया है बैड एग्जाम्पल दिया गया है गुड एग्जाम्पल दिया गया है पैराग्राफ के बारे में आपको बताया गया है दूसरा है बुलेट पॉइंट एंड इल्यूमिनेटेड लिस्ट कैसे नंबरिंग किया जाना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल आपको बताया गया यूजिंग द सिंपलेस्ट वर्ड एंड एक्सप्रेशन पॉसिबल सिंपल वर्ड और एक्सप्रेशन पॉसिबल को बारे में आपको बताया गया रिप्लेस द डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रेजेज विद द सिंपलर अल्टरनेटिव्स उसके बारे में आपको बताया गया वर्ड एक्सप्रेशन टू अवॉइड सिंपल अल्टरनेटिव बताया गया वर्ड एक्सप्रेशन टू अवॉइड क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सिंपल अल्टरनेटिव क्या क्या यूज करना चाहिए उसके बारे में बताया गया अवॉइड द स्टॉक फ्रेजेज बैड फ्रेजेज क्या क्या है उसके बारे में बताया गया गुड फ्रेजेज क्या क्या है उसके बारे में आपको बताया गया अवॉइड द लीगल वर्ड्स एंड द प्रोपोसिटी जो लीगल वर्ड्स है उसको अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसके बारे में बताया गया अवॉइड द जार्गन्स जार्गन को अवॉइड करने के लिए आपको बताया गया है ये मेन जार्गन्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए बताया अवॉइड अननेसेसरी वर्ड एंड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए बताया हुआ बैड वर्ड्स एंड रिपीटेशन दिया हुआ है गुड वर्ड आपको रिपीटेशन दिया हुआ है ना द प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री नेचर द प्रोडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री सिंपल वर्ड में आपको बताया गया प्रोडक्ट इज नॉट टू सेटिस्फैक्ट्री कैरेक्टर द प्रोडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री सिंपल वर्ड में आपको बताया गया ये आपको दूसरा विथ रिडंडेंसी कहाँ पे यूज होगा विदाउट रिडंडेंसी कहाँ पे यूज होगा इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग में उसके बारे में बताया गया बैड के बारे में बताया गया एब्सोल्यूट नॉनसेंस नॉनसेंस एब्सोल्युटली क्रिटिकल कंसिडरेबल डिफिकल्टी कंसिडरेबल डिफिकल्ट के बारे में बताया गया तो इसमें आपको यूजिंग द वर्ब इंस्टेड ऑफ द नाउंस वर्ब को यूज करना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं He used to help in the specification of the new software. He used to help specify new software. Simple आपको बताया गया है ना? Instead of the nouns, verb को use करना यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये सारे example दिए गए हैं इसमें आपको verb को बारे में बताया गया Using the active rather than the passive style. Active style को use कीजिए passive style को use मत कीजिए बैड सेंटेंस जो आपको यहाँ दिया हुआ है और गुड सेंटेंस उसका दिया हुआ है द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय द ब्लॉक्स एंड वॉज फाउंड टू बी एक्सेलेंट ब्लॉक्स रोड टू द रिपोर्ट एंड इट वॉज एक्सेलेंट है ना यूजिंग द पर्सनल रेदर देन इम्पर्सनल स्टाइल उसके बारे में आपको बताया गया बैड सेंटेंस बताया गया गुड सेंटेंस आपको बताया गया वॉट आर द बैड सेंटेंस आर देयर द करंट रिसर्च वर्क ऑफ द ऑथर ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो डिस्क्राइब आई ऑल्सो डिस्क्राइब माई करंट रिसर्च वर्क ये आपको बताया गया तो एक्सप्लेन द न्यू आइडियाज क्लियरली जो न्यू आइडिया है उसको क्लियरली जो है एक्सप्लेन करना है इफ यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन ए न्यू आइडिया और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट देन देयर आर थ्री टेक्निक्स यू कैन यूज टू हेल्प योर रीडर्स एंड इंप्रूव योर मैसेज है ना यूज कंसिस्टेंट नेमिंग ऑफ द सेम थिंग्स कंसिस्टेंट नेमिंग के बारे में आपको बताया गया है पेनलेस पॉलिटिकल करेक्टनेस उसके बारे में आपको बताया गया है If you were writing a manual, how to improve the boss, where the manual is supposed to be relevant or any boss-employee relationship, you would probably want to avoid the following kind of the statement. उसके बारे में बताया गया. Summary यहाँ पर आपको दिया गया. The main points you learnt in the section are the summary यहाँ पर आपको बताया गया. Keep sentences and paragraphs short. Never use a complicated word or phrase when there is a simpler alternative. Remove unnecessary words and the repetition. Use active rather than the passive style. Use active verbs rather than the abstract nouns.
उसके बारे में आपको बताया गया। ये समरी यहाँ पर आपको बताया गया कि इफेक्टिव राइटिंग कैसे होगा यूजिंग द प्लेन इंग्लिश मैकेनिक्स दिया गया है। कॉमनली कंफ्यूज वर्ड यहाँ पर आपको बताया गया है, अवॉइड कॉमनली वोकैबुलरी एंड द स्पेलिंग एरर, है ना। इफेक्ट वर्ब मीनिंग टू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट नाउ मीनिंग रिजल्ट, और वर्ब मीनिंग टू द ब्रिंग अबाउट, एडवर्स एडवर्स दोनों के बारे में, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, स्टेशनरी स्टेशनरी के बारे में बताया हुआ है, स्पेलिंग एरर्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया, एब्रीवेशंस के बारे में डिस्कस किया गया, एब्रीवेशन कहाँ पर यूज करना है नहीं करना है उसके बारे में यूज करने के लिए बताया गया, पंक्चुएशन पंक्चुएशंस कहाँ पर यूज करना है नहीं करना है उसके बारे में आपको बताया गया, कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज करना है, एस्ट्रॉप्स कहाँ पर यूज करना है, दूसरा कॉमा कहाँ पे यूज करना है नहीं करना है उसके बारे में आपको बताया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ पे यूज करना है नहीं करना है, फिर समरी आपको दिया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट क्या होगा उसके बारे में बताया गया, व्हाट एवरी रिपोर्ट शुड कंटेन, जनरल लेआउट, सेक्शन एंड सेक्शन नंबरिंग, द रोल ऑफ द इंट्रोडक्शन, फिगर्स एंड टेबल, स्पेशल सेक्शन अबाउट स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके बारे में बताया गया, व्हाट एवरी रिपोर्ट शुड कंटेन, Make sure every report contains the following information: title, author name, affiliation, contact details, date, version number, abstract, which is essentially in executive summary, page number, table of the contents, conclusions. ये आपको दिया गया है। It is incredible how many reports to be fail to contain this basic information. ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। General layout क्या होगा? फंड साइज कितना होगा, 11 टू 12 पॉइंट, स्पेसिंग कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, सेक्शन का नंबरिंग, सेक्शन किस तरह होंगे, नंबरिंग किस तरह होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। द क्रूशियल रोल ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड समरी, ये आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग का आपको बताया गया है ना। फिगर्स एंड टेबल्स कितने होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होगा, चैप्टर होगा, बैकग्राउंड मोटिवेशन होगा, रिसर्च होगा, रिक्वायरमेंट होगा, डिजाइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेस्टिंग होगा और कंक्लूजन होगा। ये चैप्टर 8 तक में कंक्लूजन कर लिखिए आपको दिया हुआ है, रेफरेंसेस दिया हुआ है, अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो है ना। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी किस तरह लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव उसके बारे में यहाँ पर आपको आपको डिटेल से आपको एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर आपको सबका इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग का मैंने दे दिया कि एक ओवरव्यू कैसे हो सकता है। तो नाउ कम वन बाय वन, द डॉक्यूमेंट कंटेंस द फॉलोइंग मेन सेक्शंस बिफोर यू स्टार्ट द राइटिंग, दिस इज ए सिंपल चेकलिस्ट एंड स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोइंग योर ऑब्जेक्टिव एंड द ऑडियंस। आप अपने ऑब्जेक्टिव को पकड़िए, ऑडियंस को पकड़िए कि ऑडियंस क्या है, उसके स्टार्टिंग के पहले ये आपको देखना जरूरी है। यूजिंग द प्लेन इंग्लिश, दिस इज द हार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, विकाउट इट एक्सप्लेन्स हाउ टू राइट इन द सिंपलेस्ट एंड द मोर इफेक्टिव वे। यूजिंग द प्लेन इंग्लिश द मैकेनिक्स, दिस कवर्स वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड द पंक्चुएशन। बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द रिपोर्ट, दिस सेक्शन एक्सप्लेन हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रिपोर्ट इनटू सेक्शन एंड हाउ टू ले इट आउट। एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, दिस एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेटिव एंड द डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, इट टेल्स यू व्हाई यू शुड ऑलवेज यूज इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट एंड हाउ टू राइट देम। राइटिंग दैट इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, दिस कंटेंस सम सिंपल रूल्स यू शुड फॉलो इन राइटिंग द मैथमेटिकल सिंबल्स और द फॉर्मूला। तो बिफोर राइटिंग, बिफोर स्टार्ट ऑफ द राइटिंग क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको डील किया गया। डिसाइड व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट इज, पहले लिखने के पहले आप ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का उसको डिसाइड कीजिए, दिस इज क्रिटिकल। इफ यू फॉल टू डू दिस यू विल बी ऑलमोस्ट सर्टनली प्रोड्यूस समथिंग दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। कोई भी रिपोर्ट लिखना है पहले इंग्लिश आपका क्लियर होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव को लिखिए। आइडियली दिस शुड बी इन वन सेंटेंस, फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू हेल्प द स्टूडेंट राइट वेल स्ट्रक्चर्ड इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निकल रिपोर्ट्स, ये जानना जरूरी है। ऑलवेज हैव इन माइंड ऑफ द स्पेसिफिक रीडर,
कौन सा कौन रीडर होगा उसके उसके बारे में जानना जरूरी है। स्पेसिफिक रीडर कौन होगा उसके बारे में जानना जो है बहुत जरूरी है। डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूड, आप क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हैं ये जानना आपको जरूरी है कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं आप उसमें क्या इंफॉर्मेशन आप डालना चाह रहे हैं। यू शुड यूज द ऑब्जेक्टिव एज योर रेफरेंस एंड लिस्ट द एरियाज यू नीड टू कवर। वंस यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन मेक ए नोट ऑफ द ईच मेन पॉइंट देन सॉर्ट देम इनटू द लॉजिकल ग्रुप। अल्टीमेटली यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी सेंटेंस मेक्स ए कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव। इफ मटेरियल यू राइट डज नॉट मेक ए कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव रिमूव इट। इफ इट इज गुड यू मे इफ बी एबल टू रीयूज इट इन ए डिफरेंट रिपोर्ट with a different objective. Have access to a good dictionary before using a word. A sound good, but those meaning you are not sure of the check it is in the dictionary. Do the same for any word you are not sure how to spell. Identify someone who can provide feedback. Make sure you identify a friend, relative or colleague who can read it at least one draft of your report before you submit it formally. Do not worry if the person does not understand the technical area. They can at least check the structure and the style, and it may even force you to write in the plain English style. है ना? Plain English style में आपको आपको करना है। तो ये आपको पहले लिखने के पहले ये आपको information आपको यहाँ पर दिया गया है कि लिखने के पहले before you start पहले objective को define कीजिए। Write down the objective. ऑब्जेक्टिव को लिखिए। देन माइंड ए स्पेसिफिक रीडर, रीडर कौन होगा उसको पकड़िए। डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूड, आप इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहे हैं उसके बारे में आप जो है पता कीजिए। एसेस टू ए गुड डिक्शनरी, एक गुड डिक्शनरी को एसेस कीजिए। आइडेंटिफाई समवन हु कैन प्रोवाइड फीडबैक, है ना, समवन को प्रोवाइड कीजिए जो कि आप फीडबैक दे उसको आप प्रोवाइड कीजिए। यूजिंग द प्लेन इंग्लिश स्टाइल, प्लेन इंग्लिश को यूज कीजिए। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग ए टेक्निकल और बिजनेस रिपोर्ट दैट गेट रिजल्ट्स, है ना, दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ टू डू दिस। तो प्लेन इंग्लिश को पकड़िए। सेंटेंस एंड पैराग्राफ लेंथ कीपिंग देम शॉर्ट इज सिंपल सिंपलेस्ट फर्स्ट स्टेप टू द इंप्रूव्ड राइटिंग, है ना। Describe techniques for using the fewer word. इसके बारे में आप पकड़िए। Avoid unnecessary word. This is about the removing the redundancy, है ना? जो plain English है, plain English को आप जो है पकड़िए, है ना? Using verbs instead of nouns. Verb को use कीजिए noun के जगह पर। Use active rather than passive style. Using personal rather than impersonal style, है ना? तो आपको सेंटेंस और पैराग्राफ लेंथ वो कितना होना चाहिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया। कंट्रारी टू व्हाट यू मेनी हैव लर्नड इन द स्कूल देयर इज नथिंग क्लियर अबाउट राइटिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लंबा लिखना कॉम्प्लेक्स लिखना वो बिल्कुल बेकार है। टेक्निकल राइटिंग इज सिंपली रॉन्ग। यू मस्ट गेट यूज टू द आइडिया ऑफ द राइटिंग सेंसेस दैट आर रीजनेबली शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट लिखिए और सिंपल लिखिए, कोई भी सेंटेंस को शॉर्ट लिखिए। जितना ज्यादा सेंटेंस शॉर्ट होगा उतना बढ़िया होगा, जितना ज्यादा सिंपल सेंटेंस होगा समझ में आएगा उतना बढ़िया रहेगा। इन मेनी केसेस शॉर्टर सेंटेंसेस कैन बी अचीव्ड बाय स्टिकिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ए सेंटेंस शुड कंटेन ए सिंगल यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, देयरफॉर अवॉइड कंपाउंड सेंटेंसेस वेदर पॉसिबल। इन पार्टिकुलर बी ऑन द लुकआउट फॉर द वर्ड्स लाइक एंड और व्हाइल व्हिच आर ऑफ्टन यूज्ड अननेसेसरी टू बिल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस। Check your sentence for the faulty construction. Incorrect use of the comma ko rokiye is a common cause of the poorly constructed and excessively long sentences. Hai na? Ye aapko yahan pe dekhiye ek lamba sentence likha hua hai. Ye aapko bad sentence hai. Yahan par dikhaya ja raha hai ki lamba sentence jo hai kam use karna chahiye. Shorter sentence aapko use karna chahiye. Yahan par example diya hua hai. टाइम डिवीजन, ये एक लंबा सेंटेंस है, चार लाइन पांच लाइन का सेंटेंस है, उसको छोटे सेंटेंस में, है ना, छोटे सेंटेंस में रखा गया है तो इसको अच्छा माना जाता है। तो शॉर्टर सेंटेंस को यूज को कम कीजिए, है ना। पैरेंथेसिस, स्पैंगली,
modes you use the, learning some of the principle described below, especially using the active rather than the passive construct. Generally, active को use कीजिए, passive को नहीं use कीजिए. Bullet point and the enumerated list. If the sentence in a paragraph need to be written in sequence, then it suggests that there is something that relates them. The idea that relates them should be used to introduce the list. है ना? The following is much simpler and the clear. यहाँ पर आपको get alarm before going to bed previous night, get out of the bed. ये सारे simple sentence दिए हुए हैं. Get dressed, have some breakfast. ये आपको the following is a much simpler and the clearer sentence. आपको walk to the university, get out of a stiffening green. ये आपको लिखा हुआ है. Simpler and the clearer sentence आपको यहाँ पर दिया हुआ है. तो effective technical writing में using the simplest word and expression possible. On a recent trip, Brussels and Eurostar, the Terran manager made the following announcement. The golden rules on words and expression to avoid are the replace difficult words and phrases with the simpler alternative. Avoid the stock phrases. Avoid the legal words and the prompt city. Avoid the jargon. Ye jaruri hai. Replace the difficult word and phrases with the simple alternative. Hai na? यहां पर यहां आपको दिया हुआ है वर्ड एक्सप्रेशन टू अवॉइड यूटिलाइज यूज उसके बदले में सिंपल अल्टरनेटिव यूज कीजिए फैसिलिटेट के बदले में हेल्प यूज कीजिए एट दिस टाइम के बदले में नाउ यूज कीजिए इन रेस्पेक्ट के जगह पर अबाउट यूज कीजिए कॉमन्स के जगह पे स्टार्ट यूज कीजिए टर्मिनेट के जगह पे एंड या स्टॉप यूज कीजिए एसर्टेन के जगह पे फाइंड आउट यूज कीजिए इन द इवेंट ऑफ की जगह पे इफ यूज कीजिए इन कंसिक्वेंस के जगह पे सो यूज कीजिए इंक्वायरी के जगह पे आस्क यूज कीजिए तो वर्ड एक्सप्रेशन टू अवॉइड क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और सिंपल अल्टरनेटिव क्या है ये यहां पर आपको दिया हुआ है एंडेवर को यूज करके ट्राई यूज करना चाहिए टर्मिनेट को यूज करके एंड यूज करना चाहिए ट्रांसमिट को अवॉइड करके सेंड यूज करना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट को जगह पे सो यूज करना चाहिए इनिशिएट के जगह पे बिगिन यूज करना चाहिए असिस्टेंस के जगह पे हेल्प यूज करना चाहिए ये सारे आपको डिफिकल्ट वर्ड अवॉइड करने के लिए बताया जा रहा है Avoid the stock phrases को avoid करने के लिए आपको आपको बताया जा रहा है Bad का there is a reasonable expectation that then it can be written as a probably owing to the situation that because since should a situation arise where if लिखे यहाँ पर होगा taking into consideration this factor considering this factor prior to the occasion when before at this precise moment in time now यहाँ पे use होगा do not hesitate to इसके जगह पे please use की I am in the receipt of I have use कीजिए है ना avoid the legal words and the prosody ये avoid the jargon को avoid कीजिए expression like MS DOS pattern distribution cap ये सारे jargon है ये jargon को avoid कीजिए इसके बारे में आपको तो यही इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग का यही जो है मकसद है कि जो है कैसे जो है इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग किया जा सकते हैं अवॉइड द अननेसेसरी वर्ड एंड रिपीटेशन ये आपको बैड सेंटेंस आपको दिया हुआ है ना मेनी सेंटेंसेस कंटेन अननेसेसरी वर्ड दैट रिपीट एन आइडिया ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वर्ड है ना द प्रोडक्ट इज नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री नेचर द प्रोडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री After specification, we are in position to begin with the detailed design. After specification, we can begin detailed design. ये आपको दिया हुआ है. We are now in the situation of being able to begin detailed design. We can now begin detailed design. ये आपको दिया हुआ है ना? With redundancy आपको दिया हुआ है. Without redundancy आपको दिया हुआ है. है ना ये बैड सेंटेंस दिया हुआ है एब्सोल्यूट नॉनसेंस इसका नॉनसेंस होगा एब्सोल्यूटली क्रिटिकल होगा कंसिडरेबल डिफिकल्टी होगा कंसिडरेबल डिफिकल्ट होगा ये आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग के बारे में कैसे लिखा जाए उसके बारे में ये आर्टिकल आपको आपको बता रहा है कि इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग कैसे होगा यूजिंग द वर्ब्स इंस्टेड ऑफ द नाउंस
He used to help in the specification of the new software. And he used to help specify new software. AC drain accounts for the destruction of the accident. Stonework, AC drain destroyed ancient stonework. इसके बदले में ये बैड सेंटेंस है, ये आपको गुड सेंटेंस है. ये आपको वर्ब को यूज करने के लिए आपको बताया गया है. हाउ टू यूज द वर्ब इंस्टेड ऑफ द नाउन्स, यूजिंग ऑफ द वर्ब इंस्टेड ऑफ द नाउन्स. व्हेन यू टेक इनटू कंसीडरेशन, व्हेन यू कंसीडर क्लिकिंग द आइकन कॉजेज, है ना. तो मेजरमेंट ऑफ द स्टैटिक सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी वॉज परफॉर्म बाय द टूल मेजर्ड स्टैटिक सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी, है ना. तो इसमें इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग के बारे में, यूजिंग एक्टिव रेदर देन पैसिव. एक्टिव को यूज कीजिए, पैसिव को यूज मत कीजिए. बैड जो है दिया हुआ, द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय द ब्लॉक्स एंड वॉज फाउंड टू बी एक्सलेंट. ब्लॉक्स रोड द रिपोर्ट एंड इट वॉज एक्सलेंट. The values were measured automatically by the control system. The control system measured the values automatically. It was reported by the manager that the project was in trouble. The manager reported that the project was in trouble. And the precise mechanism responsible for this antagonism cannot be illustrated. We don't know what causes this antagonism. इसके बारे में आपको बताया गया है. Use personal rather than impersonal. My results have shown, इसके बदले में the author's results have shown. ये आपको यहाँ पर आपको my results have shown आप यूज मत कीजिए. The author's result have shown, ये अब थर्ड पर्सन में आप यूज कीजिए. फर्स्ट पर्सन में आप जो है यूज मत कीजिए. ये आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग का आपको दिखाया गया है ना. बैड सेंटेंस आपको यहाँ पर बताया गया है. The current research work of the author of this report is also described. So I also describe my current research work. है ना? किस तरह sentence को जो है change करके लिखना चाहिए, उस तरह यहाँ पर जो है आपको लिखने के लिए effective technical writing के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा है. Examination and discussion of the results obtained the necessary before a decision can be taken. We must examine and discuss the results before we decide. है ना? Bad और good के बारे में आप clear example यहाँ पे दिया हुआ है ना? है ना? These things which cannot be happen. ये क्लियर आपको यहाँ पे बताता है. समरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. द मेन पॉइंट शुड हैव द लर्न्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आर द कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शॉर्ट. सेंटेंस को पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है. नेवर यूज ए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड और फ्रेज व्हेन देयर इज ए सिंपलर अल्टरनेटिव, है ना. रिमूव एंड अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटेशन. अननेसेसरी वर्ड और रिपीटेशन को हटाना है. यूज एक्टिव रेदर देन पैसिव स्टाइल. एक्टिव स्टाइल को यूज करना है, पैसिव स्टाइल को यूज नहीं करना है. यूज एक्टिव वर्ब्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट अनाउंस, ये करना है. यूज पर्सनल रेदर देन इम्पर्सनल स्टाइल. एक्सप्लेन न्यू आइडियाज क्लियरली बाय एग्जांपल्स एनालॉजीज एंड द डायग्राम. इफ व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इज ए लिस्ट देन यूज एन एनुमरेटेड लिस्ट और द बुलेटेड पॉइंट. Avoid the stock phrases, legal words, and the pomposity. For each abstract thing referred to in your report, use a consistent name to refer to the thing. In other words, ignore the rule that was you should never use the same word twice. And use of your he, she to refer to the non-specific people is regarded as politically incorrect and easy to avoid. And using the Plain English को यूज कीजिए, है ना. कॉमनली कंफ्यूज वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसका मीनिंग आपको दिया हुआ है. वोकैबुलरी एंड द स्पेलिंग एरर बियॉन्ड हैविंग ए गुड डिक्शनरी अवेलेबल देयर इज नो सिंपल गाइडलाइन टू फॉलो टू मेक श्योर यू ऑलवेज यूज एंड स्पेल वर्ड्स करेक्टली. हाउएवर देयर आर ए नंबर ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्ड दैट आर फ्रीक्वेंटली मिसयूज इन प्लेस ऑफ द सिमिलर साउंडिंग वर्ड विथ अ डिफरेंट मीनिंग. इफेक्ट का आपको दिया हुआ है. एडवर्स का आपको दिया हुआ है. कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड
इफेक्ट इफेक्ट एडवर्स एडवर्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्टेशनरी स्टेशनरी इलिसिट इलिसिट फ्लॉन्ट फ्लॉन्ट एलुशन एलुशन इसके बारे में दिया हुआ है. काउंसिल काउंसिल इंश्योर इंश्योर मिटिगेट मिटिगेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है. एडवाइस एडवाइस के बारे में दिया हुआ है ना, इसके बारे में आपको दिया हुआ है. कॉमनली मिसप्लेस स्पेल्ड वर्ब है ना. एब्रिविएशन के बारे में आपको बता रहा है. द रूल्स यू शुड फॉलो ऑन एब्रिविएशन आर ऑलवेज अवॉइड एब्रिविएटिंग वर्ड्स अबाउट द लेजीनेस. नेवर राइट अप्रोक्स और अप्रोक्सीमेटली एन एक्सेप्शन बट मिस यूज एग्जाम्पल इज एक्सेट्रा इन मोस्ट केसेस वेयर एक्सेट्रा इज इट कैन बी अवॉइडेड. द एक्सेट्रा ही इज डिडेंट बिकॉज ऑफ सच एज है ना. पंक्चुएशंस जो है द सक्सेसिव कवर्स द रूल फॉर द यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑस्ट्रोफ्स कोमा एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके बारे में भी आपको बताया गया है. कैपिटल लेटर के बारे में आपको बताया गया है कब यूज करना चाहिए. पीपल यूज कैपिटल लेटर्स फॉर मोर फिकल्टी देन शुड अपार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड प्रॉपर नेम्स. द ओनली अदर टाइम्स यू नीड टू यूज द कैपिटल आर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेसेस. ऑर्गेनाइजेशन और प्लेसेस के जगह पर आपको कैपिटल मार्क यूज करना चाहिए. एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ द यूनियन है ना. लेवल फॉन्ट व्हेन ए प्रॉपर नाम ऑन ए प्रॉपर नॉर्म इज द मार्क्सिस्ट बट नॉट द कम्युनिस्ट है ना. कहां कहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट व्हेन दे फॉर्म पार्ट ऑफ द कंट्री नेम उसके बारे में आपको करना चाहिए. टाइटल्स व्हेन यूज्ड विद द नेम बट नॉट अदरवाइज हैंस ऑफ द ड्यूक ऑफ द यॉर्क इसके बारे में करना चाहिए. सर्टेन पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री है ना. सर्टेन पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री गॉड इसके बारे में कैपिटल लेटर्स इसके जगह पे यूज करना चाहिए. वो आपको सब जगह कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर यूज होगा उसके बारे में आपको बताया गया है ना. कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में आपको बताया गया. कॉमाज कहाँ कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में आपको बताया गया है. If you follow the principle described in the section 3, you will find that you need to use fewer commas because you are writing shorter sentences. This is a bonus because the fewer commas can use the better. Jitna kam comma use kare, utna aapko better hai. Apart from the case where a sentence would be too long, otherwise there are just 4 reasons for using a comma. ये 4 reason hai comma use karne ke liye. Aap comma jitna kam use karte hain, utna aapko badhiya hai. है ना. 4 रीजन क्या क्या है. नंबर 1 है वेयर यू आर राइटिंग ए लिस्ट. जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप कमा का यूज करें. आई लाइक एप्पल्स ऑरेंजेज पीचेज है ना, तभी आप जो है कमा का यूज करें. दूसरा वेयर यू आर यूजिंग ए क्वालिफाइंग वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है ना. क्वालिफाइंग वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो फिर जो है कॉमा को यूज करते हैं. फर्स्टली इट इज अनलाइकली अनफॉर्चुनेटली यू शुड नो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी है ना वेयर द सेंटेंस वुड बी एम्बिगियस विदाउट इट. तब जो जब सेंटेंस जो है एम्बिगियस होगा तभी यूज होगा. आई डिसाइडेड ऑन एन अल्टरेशन ऑफ कोर्स मीन्स दैट यू चेंज योर कोर्स है ना टू सो वेयर यू हैव इंसर्टेड ए फ्रेज है ना तब यूज होगा. टू सो वेयर यू हैव इंसर्टेड ए फ्रेज. टेडी हु इज नॉर्मली द बेस्ट इन द टीम एंड ए वेरी पुअर मैच है ना. एक्सक्लेमेशन मार्क्स कब यूज करना है. देयर आर ओनली 2 रीजंस वेयर टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. वेयर देयर इज एन एक्सक्लेमेशन तभी यूज करना है एज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर द फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल फंक्शन तभी यूज करना है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज करना है उसके बारे में बताया गया है. कॉमा कब यूज करना है उसके बारे में बताया गया है ना. तो समरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. द ओनली सर्टन वे टू अवॉइड द स्पेलिंग एरर्स एंड इनकरेक्टली वोकैबुलरी इज टू यूज ए डिक्शनरी व्हेन एवर यू आर अनश्योर ऑफ एनीथिंग. हाउएवर देयर आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड्स दैट काउज कॉमन एरर्स दैट कैन यू लर्न दी. यूज इंग्लिश रेदर देन अमेरिकन स्पेलिंग अनलेस यू आर
टारगेटिंग एन अमेरिकन ऑडियंस, एब्रीविएशन शुड बी यूज ओनली वेयर नेसेसरी, एस्ट्रोफर शुड बी ओनली यूज टू शो पोजीशन और टू शो दैट लेटर हैज बीन मिस्ड आउट, ऑल द अदर्स आर रॉन्ग, देयर आर द सिंपल रूल्स टू लर्न अबाउट द कॉमा, है ना, ये आपको आपको बताया हुआ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, व्हाट एवरी रिपोर्ट शुड कंटेन, ये यहां पर आपको बताया गया है, मेक श्योर एवरी रिपोर्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टाइटल होना चाहिए, ऑथर नेम होना चाहिए, एफिलिएशन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वर्सन नंबर होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इफ मोर देन 5 pages विच इज एसेंशियली एन एग्जीक्यूटिव समरी, पेज नंबर होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, है ना, तो ये सारे रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको इफेक्टिव राइटिंग का कंप्लीट आइडिया आपको दिया हुआ है, फंट कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, है ना, सब आपको बताया हुआ है, टाइम्स रोमन 11 फॉन्ट और 12 फॉन्ट इज ए गुड चॉइस, 11 और 12 फॉन्ट का जो वो आपको गुड चॉइस है ना, ये आपको बताया गया है, मार्जिन जो है 1.25 इज ए गुड, है ना, ये इसके बारे में बताया हुआ है, इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग के बारे में क्लियर आइडिया आपको दे दिया है, है ना, रिपोर्ट के बारे में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है, फिर यहीं तक रहने देते हैं आज, ये आपका इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग उसके बारे में था, व्हाट आर द इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग।